हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी एग्जामिनर को अपने एग्जाम के रूटीन और सिलेबस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी एग्जामिनर को अपने एग्जाम की तैयारी के लिए किस तरह से अपने रूटीन, सिलेबस और टाइम टेबल बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए हो, बोर्ड एग्जाम, इंटर एग्जाम, ग्रेजुएशन या फिर चाहे वो कोई जॉब के लिए क्यों ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हम लोगों के जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम हमेशा 20 फरवरी से शुरू होता है, तो आज है 10 जनवरी, तो आज से हम लोगों के पास है टाइम 42 डेज और सब्जेक्ट है 5। तो अभी तो फाइनल रूटीन नहीं निकला है कि फर्स्ट दिन 20 फरवरी से कौन सा एग्ज़ाम है, इसलिए अभी हमें जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा भारी लगता है उस सब्जेक्ट को हम 10 जनवरी से शुरू करते हैं। जैसा कि माना, हमें दो सब्जेक्ट भारी लगती है, मैथ और इंग्लिश, तो दोनों सब्जेक्ट को हम 9-9 दिन बांट देते हैं और 3 सब्जेक्ट को 8-8 दिन, क्योंकि हमारे पास है 42 डेज। आप लोगों को लग रहा होगा यार अभी तो फाइनल रूटीन निकला नहीं है, फिर बाद में जब फाइनल रूटीन निकलेगा तो फिर से रूटीन बनाना पड़ेगा। यार दिन भर रूटीन ही बनाते रहेंगे क्या? नहीं दोस्त, आप लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि फाइनल रूटीन 20 जनवरी को आ जाएगा और आप लोग के पास बचेगा 1 महीना, 30 डेज। 30 दिन 5 सब्जेक्ट, मतलब 6-6 दिन। लेकिन दोस्त अभी आप लोग के पास है 42 डेज, मतलब 42 दिन, और आज है 10 जनवरी, तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा भारी लगता है, दो सब्जेक्ट, अभी 10 दिन है तो 10 दिन तो पढ़ ही सकते हो यार। चलिए रूटीन और सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं टाइम टेबल। मॉर्निंग में 4 से 6, फिर 6:30 से टॉयलेट, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, फिर फ्रेश होकर नाश्ता करके फिर 10 से 1 बजे तक, उसके बाद फिर 1 से 2 लंच कीजिए, फिर 2 से 5, फिर उसके बाद फिर 5 से 7 तक जो आप करते हैं इवनिंग वॉक या कुछ भी कुछ काम है तो वो कर ले, उसके बाद फिर 7 से 10 और फिर 10 बजे खाना उना खा के डिनर करके फिर सो जाए। इस तरह से आपका हर दिन का हुआ 11 घंटा, 1 घंटा इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से दिन में सिर्फ 10 घंटा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, और मेरी स्ट्रीक को आजमाइए और जीवन में सफल होइए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मैं सभी उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप रिजल्ट के बाद ही मेरे कमेंट में कुछ आके बोलिए कि क्या हुआ, और मेरे तरफ से उन सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। तो सी यू, टाटा बाय, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।